नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं लोकेंद्र त्यागी। नकलची पास, सरकार फेल। जी हां, इस वक्त प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि परीक्षा की जगह नकल चल रही है तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हर बीती परीक्षा के साथ जिस तरीके से नकल के मामले सामने आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि नकलची तो पास हो रहे हैं लेकिन सरकार फेल हो रही है। तो कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सबसे पहले प्रदेश में किन हालातों में परीक्षा हो रही है वो दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नकल के इतने सारे मामले सामने आए हैं जो सरकार के नकल रहित परीक्षा के दावों की पोल खोलने के लिए काफी हैं। 7 मार्च से शुरू हुई बोर्ड परीक्षा में शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जिस दिन नकल के मामले सामने नहीं आए हो। हरियाणा बोर्ड की इस वक्त 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। अब ये कहना कि परीक्षाएं चल रही हैं शायद गलत हो, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि प्रदेश में इस वक्त नकल चल रही है। जी हां, 7 मार्च को बोर्ड की परीक्षा शुरू हुई और प्रदेश में शुरू हो गया नकलचियों का खेल। बड़े आराम से कहीं छतों पर लोग बैठा कर अपने चहितों को नकल करा रहे हैं, तो कहीं खुद परीक्षा दिलवाने वाले लोग ही नकल में शामिल पाए गए, तो कहीं मिल रही है थोक में नकल सामग्री। चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको प्रदेश में कैसे कैसे नकल हो रही है उसकी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें 14 तारीख की हैं जो सोनीपत से सामने आए। दरअसल बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह जब सोनीपत जिले के कथुरा व चिवड़ाना परीक्षा केंद्र में पहुंचे तो यहाँ जो कुछ हो रहा था वो हैरान करने वाला था। जगबीर सिंह को यहां से नकल सामग्री का ढेर मिला, जिसके बाद मजबूरन परीक्षा रद्द करनी पड़ी और नुकसान हुआ उन छात्रों का जो ईमानदारी से यहां परीक्षा देने आए थे। अब जरा ये तस्वीर देखिए, झज्जर के सुबाना व छुचकवास में 10वीं कक्षा की हिंदी की परीक्षा यहां चल रही थी, लेकिन यहां नकलचियों ने पूरा का पूरा सेंटर ही हाईजैक कर रखा है। बेखौफ होकर नकल की जा रही है, धारा 144 तो मानो इनके शब्दकोश में है ही नहीं। नतीजतन यहां पर भी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। वहीं पानीपत में भी हालात कुछ इसी तरीके के दिखे। वहीं पुनहाना के पिनगवा कस्बा स्थित निक्की मॉडर्न स्कूल पर चल रहे परीक्षा केंद्र पर छापा पड़ा तो जो निकलकर सामने आया वो और ज्यादा हैरान करने वाला था, क्योंकि यहां 21 युवकों को दूसरे बच्चों की परीक्षा देते हुए पाया गया, जिसके बाद विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई। ये तो कुछ नमूने भर हैं जो सामने आए हैं हरियाणा से। नकल का खेल इससे कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि प्रदेश में नकलची पास और सरकार फेल नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।